उन्हें 2022 में जिस तरह से मेहनत करी यूपी में आके, और काफ़ी अभी लखीमपुर में भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की और न्याय दिलाने की कोशिश की किसानों को, तो 2022 में क्या यूपी में चेहरा हो सकती है? देखिए प्रियंका जी हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उसके अलावा अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए, सारी पार्टियों को अगर मिला के भी ये अगर पूछा जाए कि सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन है, तो स्वाभाविक रूप से प्रियंका गांधी जी का नाम आएगा, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, तो चेहरा तो अपने आप होंगे हमारी पार्टी के, नहीं पूरे उत्तर प्रदेश पर का देखा जाए तो निष्पक्ष तरीके से कोई कहेगा, वो कहेगा कि प्रियंका जी सबसे लोकप्रिय हैं, तो हमारा चेहरा है और हमारा सौभाग्य है कि वो हमें राष्ट्रीय महासचिव के रूप में मिली हैं और हमको नेतृत्व कर रहे हैं। अभी बनाया गया है तो किस तरह से आप उसको देखते, किस तरह से अपने दायित्व को निभाएंगे? मुझे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो तो इलेक्शन कैंपेन कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया गया है, ये बड़ी जिम्मेवारी है और चुनौती भरी जिम्मेवारी है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा वो निर्भर करेगा कि हम चुनाव में कितना अच्छी तरह से कर पाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक चुनाव में एक पार्टी जीतती है, दूसरी चुनाव में वो हार जाती है, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार है, किस तरीके से चुनाव किया गया, प्रचार किया गया, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है, ये बड़ी जिम्मेवारी है। और इसके लिए मैं जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि विश्वास मुझसे जताया, और मैं पूरा प्रयास करूँगा उसमें विश्वास पर खड़ा हूँ। सर एक प्रियंका जी का चेहरा हो जाता है तो क्या एक पुनः जन्म होगा कांग्रेस का जिस तरह से यूपी में नहीं है? देखिए प्रियंका जी के आने के बाद कांग्रेस पार्टी में मजबूती आई है, निरंतर मजबूती आ रही है, और जाहिर है कि जब चुनाव नज़दीक आएगा तो स्थितियां और बदलेंगी। अब तो पहले लोग समझते थे कि कांग्रेस कहीं नहीं है, अब कांग्रेस फाइट में है, बगैर बराबर है। अब धीरे धीरे ये हो रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है उससे लड़ाई लड़ रही है तो सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है, बाकी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी वो कहीं पीछे छूट गई है। तो ये तो परिस्थितियाँ हैं, बदलेंगी, बदल रही हैं, और मैं समझता हूँ कि जो चुनाव आते आते कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में होगी और भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम होगी। तो आप मानते हैं कि इस पर आपकी लड़ाई बीजेपी से होगी? बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार का जितना एंटी इनकम्बेंसी है इससे लोग दुखी हैं, और तो उसका लाभ अगर मिल रहा है तो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी की विजय हो ही। Thank you.